Good morning, friends. Welcome to the new series of IC38 IRDAI Agent Pariksha. Dear friends, subscribe my channel if you are not yet subscribed, and don't forget to click on like button and bell button. Dear friends, this consists of 50 questions and the time duration of this test is 60 minutes. Maximum marks for this test is 50 marks and the pass marks are 18 marks. Dear friends, as per new syllabus of IC38 IRDA agent exam, there are 21 adhyay. Today's Jeevan Bima life insurance exam consists of 21 chapters. Section 1, Anubhag 1 is common chapters, that is introduction to insurance, then Anubhag 2, that is section 2, Jeevan Bima, and Anubhag 3, Swasthya Bima. Dear friends, life insurance exam consists of 3 sections and these 3 sections consists of 21 chapters, that is Adhyay 1, Bima Ka Parichay, Adhyay 2, Grahak Seva, Adhyay 3, Shikayat Nivaran, बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत. फ्रेंड्स, अनुभाग 2 दैट इज सेक्शन 2 जीवन बीमा, अध्याय 6 इज जीवन बीमा में क्या शामिल है, अध्याय 7 वित्तीय नियोजन एंड जीवन बीमा उत्पाद 1, जीवन बीमा उत्पाद 2, जीवन बीमा के प्रयोग, अध्याय 11 जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन, अध्याय 12 दस्तावेजीकरण प्रस्ताव चरण, दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 1, पॉलिसी चरण 2 एंड अध्याय 15 बीमा लेखन दैट इज अंडर राइटिंग, अध्याय 16 जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान. डियर फ्रेंड्स, अनुभाग 3 इज सेक्शन 3 कंसिस्ट ऑफ स्वास्थ्य बीमा दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस, अध्याय 17 इज स्वास्थ्य बीमा का परिचय, अध्याय 18 बीमा दस्तावेज, अध्याय 19 स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, अध्याय 20 स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन दैट इज बीमा लेखन, वेरएस और चैप्टर नंबर 21 दैट इज अध्याय 21 इज स्वास्थ्य बीमा दावे. डियर फ्रेंड्स, दिस थ्री सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन एक्सपेक्ट 15 टू 20 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1 दैट इज फ्रॉम अनुभाग 1, यू कैन एक्सपेक्ट 15 टू 20 क्वेश्चंस as from Jeevan Bima that is life insurance section 2 that is unbox 2, you can expect 20 to 25 questions, and from Swasthya Bima you can expect 10 to 15 questions. Dear friends, this exam consists of 50 questions and each question carries 1 mark and you have to score minimum 18 marks to pass. The test duration of this test is 1 ghanta, that is 60 minute. So let us see the question paper. Dear friends, अध्याय 4 बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, अध्याय 5 जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत. Dear friends, these two chapters are taken from अनुभाग 1, common chapters that is बीमा का परिचय. Dear friends, these two chapters are very very important that you can expect at least 20 to 25 questions from these chapters. Let us see the questions. Question number 1. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है, दबाव, कोअर्शन. डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं है. नो, देयर इज नो दबाव, देयर इज नो कोअर्शन. रमेश मोहन को धमकी देता है. डियर फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट आंसर. धमकी दे रहा है, दैट मीन्स इट इज ए दबाव, कोअर्शन, कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे मार डालेगा. डियर फ्रेंड्स, दिस इज कोअर्शन दैट इज दबाव. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. निम्न में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता है, रमेश का घर, रमेश की पत्नी, रमेश के मित्र, रमेश के माता पिता. डियर फ्रेंड्स, वन कैन नॉट डू इंश्योरेंस ऑन देयर फ्रेंड्स नेम दैट इज रमेश के मित्र इज करेक्ट ऑप्शन. फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन. फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किसी वैद्य अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है, प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध के लिए पक्षों की क्षमता. डियर फ्रेंड्स, प्रतिफल इज करेक्ट ऑप्शन. फ्रेंड्स, किसी वैद्य अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है, प्रतिफल इज करेक्ट ऑप्शन. फ्रेंड्स, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. डैश गलत बयान से संबंधित होता है
जो बिना किसी धोखाधड़ी पूर्ण इरादे से दिए गए हैं। गलत बयानी, योगदान, प्रस्ताव, निवेदन। डियर फ्रेंड्स, गलत बयानी गलत बयानों से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी पूर्ण इरादे से दिए गए हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 गलत बयानी इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दबाव। गलती। डियर फ्रेंड्स, कोअर्शन, दबाव इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, दबाव में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जीवन बीमा अनुबंधों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। वे मौखिक अनुबंध होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। वे मौखिक है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। नो फ्रेंड्स, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार वे दो पक्षों दैट इज बीमाकर्ता और बीमित के बीच अनुबंध है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंग टू 1872 एक्ट इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है। पैसा, संपत्ति, रिश्वत, आभूषण। डियर फ्रेंड्स, आभूषण नो, रिश्वत इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है। डियर फ्रेंड्स, द कीवर्ड इज योग्य नहीं है। व्हाट आर द ऑप्शंस? व्यवसाय मालिक दैट इज बिजनेसमैन, यस ही कैन डू इंश्योरेंस। नाबालिग डियर फ्रेंड्स, माइनर कैनॉट डू जीवन बीमा दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। गृहिणी, यस वन कैन डू। सरकारी कर्मचारी, यस गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन डू, बट नाबालिग इज नॉट अलाउड टू डू जीवन बीमा। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांतों को बताता है। ऑप्शन नंबर 1 बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात चिकित्सा स्थितियों के बारे में नहीं बताना। नो फ्रेंड्स, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों को खुलासा नहीं करना। नो फ्रेंड्स, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। डियर फ्रेंड्स, द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सही नहीं है। सो बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सही नहीं है दे आर आस्किंग। अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना, यस फ्रेंड्स इट इज सही है। पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, इट इज ऑल्सो राइट आंसर। मित्र पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, यस फ्रेंड्स दे कैन टेक। मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, नो फ्रेंड्स वन के नॉट टेक ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंड्स इज नॉट अलाउड। सो दे आर आस्किंग सही नहीं है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना, यस फ्रेंड्स एम्प्लॉयज इंश्योरेंस इज अलाउड, वेयर एज मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना इज नॉट अलाउड। सो दे आर आस्किंग सही नहीं है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है। बीमा कराते के समय, यस फ्रेंड्स द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस इंटरेस्ट मस्ट बी देयर। दावा के समय, नो फ्रेंड्स जीवन बीमा के मामलों में बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं है। नो फ्रेंड्स, या तो पॉलिसी लेते के समय या दावे के समय। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 बीमा कराते के समय विद्यमान होना जरूरी है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 निम्न परिचय में मृत्यु के नजदीकी कारण का पता लगाए। घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जेल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। सो ही इज डेड बिकॉज ऑफ व्हाट? निमोनिया, टूटी हुई पीठ, घोड़े से गिरना, शल्य चिकित्सा। डियर फ्रेंड्स, घोड़े से गिरना इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, बिकॉज ही फॉलन फ्रॉम हॉर्स दैट इज व्हाई ही इज इन वाटर, ही गॉट निमोनिया, ही इज डेड। सो द कॉज ऑफ डेथ इज घोड़े से गिरना। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 13 क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी का सिद्धांत दर्शाता है।
डैश डियर फ्रेंड्स लाभ कमाने के लिए बीमा नहीं किया जा सकता है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी का सिद्धांत दर्शाता है कि लाभ कमाने के लिए बीमा नहीं किया जा सकता है सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आईआरडीए नियमों के अनुसार आईजीएमएस इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम डैश अनिवार्य व्यवस्था है केवल कुछ चयनित बीमाकर्ताओं द्वारा नो फ्रेंड्स केवल गैर जीवन दैट इज नॉन लाइफ द्वारा नो कुछ जीवन दैट इज लाइफ तथा गैर जीवन नॉन लाइफ द्वारा नो फ्रेंड्स सभी बीमाकर्ता द्वारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सभी बीमाकर्ता द्वारा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एजेंसी का नियुक्ति पत्र देती है डैश भारत सरकार आईआरडीएआई साधारण बीमा कॉर्पोरेशन बीमा कंपनी डियर फ्रेंड्स बीमा कंपनी इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एक या एक से अधिक जीवन बीमा कंपनी या साधारण बीमा कंपनी या दोनों में कार्य कर सकता है कौन है वो एजेंट नो सर्वेयर नो कॉम्पोजिट एजेंट डियर फ्रेंड्स कॉम्पोजिट एजेंट कैन वर्क इन वन आर मोर देन वन कंपनीज एज ए एजेंट सो द कॉम्पोजिट एजेंट इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ग्राहक क्लाइंट से जानकारी लेने के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं बंद सिरे दैट इज क्लोज एंड वाले सवाल नो फ्रेंड्स खुले सिरे दैट इज ओपन एंड वाले सवाल सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स प्रश्नवाचक सवाल विवरणात्मक सवाल नो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 खुले सिरे दैट इज ओपन एंड वाले सवाल इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यदि ग्राहक उसके लिए दी गई संस्तुतियों के मानने को इच्छुक नहीं देके तो एजेंट को चाहिए कि वह उत्पाद तुरंत लेने के लिए उस पर दबाव डाले सलाह नहीं स्वीकारने के कारण जानने की कोशिश करे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ग्राहक से भविष्य की तारीख पता करे एक बार फिर से रिव्यू करे नो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट आंसर सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एनआईए का मुख्य कार्य क्या होता है प्रीमियम गणना के लिए सलाह देता है विश्व बाजार तथा भारतीय बीमा उद्योग के बीच एक सक्रिय कड़ी होना बीमा प्रशिक्षण को डिजाइन करने लागू करने तथा उसे संचालित करना डियर फ्रेंड्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स जीवन बीमा कंपनी द्वारा निवेश निधि को नियंत्रित करना नो फ्रेंड्स एनएए विल कंट्रोल बीमा प्रशिक्षण को डिजाइन करने लागू करने तथा उसे संचालित करना इज द जॉब ऑफ एनआईए सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ग्राहक की सभी चिंताओं को दूर कर देने के बाद भी यदि उसके द्वारा संस्तुतियों को खारिज कर दिया जाए तो सलाहकार को चाहिए व्हाट एजेंट हैज टू डू कि वहां ग्राहक को पॉलिसी खरीदने के लिए प्रेरित करे नो फ्रेंड्स किसी संदर्भ दैट इज रेफरेंस के बारे में पूछना जो वित्तीय नियोजन के बारे में इच्छुक हो प्लीज आस्क हिम द रेफर्ड रेफरेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाय इंश्योरेंस सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स अभी भी दोबारा ग्राहक से संपर्क नहीं करना नो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना चाहिए नो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एजेंट की जिम्मेदारी और कर्तव्य खत्म हो जाते हैं जब ग्राहक की पॉलिसी जारी हो जाने के बाद जब ग्राहक की आवश्यकताएं हो जाए नामित बदल जाए जब परिपक्वता दावा का निपटारा हो जाए सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 किसी बीमा सलाहकार के लिए चर्निंग डैश है डियर फ्रेंड चर्निंग इज ए बैड आइडिया दैट इज अच्छा है नो खराब आइडिया सो खराब है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 फ्री लुक पीरियड कितने दिनों तक चलता है डियर फ्रेंड्स 15 दिन दैट इज 15 डेज इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 रोजगार प्राप्त के लिए बीमा करवाने का मुख्य कारण होता है कर बचाना अनिश्चित आय उच्च रिटर्न्स दैट इज लाभ सुरक्षा डियर फ्रेंड्स सुरक्षा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस कारण के लिए जोखिमांकन करता दैट इज अंडरराइटर से एजेंट की गोपनीय सूचना के परे पूछा जाना चाहिए शारीरिक दुर्घटना नैतिक खतरा सम अश्योर्ड दैट इज सम इंश्योर्ड बीमाकृत राशि काफी अधिक है सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स विशुद्ध जोखिम दैट इज
risk, no friends. Some insured if it is very high, so the underwriter say agent ki gopniy suchna ke pare poocha jana chahiye. So the option number 3 is correct option, friends. Next, option number 26. Underwriting mein vyakti ka aadhik moolya ke dwara nirdharit kiya jata hai. Vyakti ke peshe dwara, no friends, unke parivar ka vitti itihas, no. Ve jo aamdani prapt karte hai, no friends. Manav jeevan man, that is HLV. What is that? Human life value. Who is given that? Professor Hubner. So the Manav Jeevan Man, HLV, is correct option, friends. Next, question number 27. Kisi vyakti ki aatu jitni kam hoti hai, uski kshamata bhi dash kam hogi. So the option number 1, uchatam adhik chust utkrusht, no friends, kam hogi. So the option number 1 is correct option, friends. Next, question number 28. किसी ग्राहक की जीवन के किसी भी बिंदु पर दो प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? निवेश और सेवानिवृत्ति, निवेश और सुरक्षा, निवेश और बचत, निवेश और निवेश. Dear friends, निवेश और सुरक्षा is the two things which are very very important during the life period of anyone. So the option number 2 is correct option, friends. Next, question number 29. जोखिम प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? कायम रखना, हस्तांतरण. डियर फ्रेंड्स, हस्तांतरण इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. त्याग देना कोई नहीं, नो फ्रेंड्स, हस्तांतरण इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. नेक्स्ट, नंबर 30. बीमा एजेंट किसके बीच एक मध्यस्थ होता है? ग्राहक और बीमा कंपनी. डियर फ्रेंड्स, एजेंट इज द मीडिएटर बिटवीन द कस्टमर एंड द इंश्योरेंस कंपनी. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. बीमा कंपनी तथा IRDA, ग्राहक तथा IRDA, बीमा तथा पुनर्बीता रीइंश्योरेंस कंपनी, नो फ्रेंड्स, ग्राहक और बीमा कंपनी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. नेक्स्ट, नंबर 31. किसी जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध ऋण की राशि सामान्य रूप से किस पर आधारित होता है? कुल भुगतान की गई प्रीमियम, नो फ्रेंड्स, बीमाकृत राशि, नो, समर्पण मूल्य, दैट इज सरेंडर वैल्यू, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. मूल्य, दैट इज पेड अप वैल्यू, नो फ्रेंड्स, समर्पण मूल्य, दैट इज सरेंडर वैल्यू, इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. नेक्स्ट, नंबर 32. किसी बीमा अनुबंध में कंसीडरेशन का अर्थ होता है तौफाम, भाकर, गोपनीय रिपोर्ट, नो फ्रेंड्स, प्रीमियम. कंसीडरेशन मींस प्रीमियम. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. नेक्स्ट, नंबर 33. 1938 का बीमा अधिनियम इनमें से कौन है? IRDA, टैरिफ सलाहकार समिति. डियर फ्रेंड्स, टैरिफ सलाहकार समिति इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. राष्ट्रीय बीमा अकादमी, नो, जीवन बीमा कंपनी, दैट इज LIC, नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, टैरिफ सलाहकार समिति इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. नेक्स्ट, नंबर 34. अत्यावेशन सत्र, दैट इज फैक्ट फाइंडिंग सेशन के दौरान एक एजेंट के तौर पर आपको निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? प्राथमिकता प्रदान करता है, पहचान करता है और जरूरत की मात्रा बताता है. जरूरत की पहचान करता है, मात्रा बताता है और उसे प्राथमिकता प्रदान करता है. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. व्हाट नेक्स्ट, नंबर 35. दुर्घटना में होने वाली मृत्यु लाभ आरोही के लिए प्रीमियम किससे अधिक नहीं होना चाहिए? नंबर 1, मूल पॉलिसी, दैट इज बेस पॉलिसी प्रीमियम का 15%, मूल पॉलिसी प्रीमियम बेस पॉलिसी प्रीमियम का 25%, मूल पॉलिसी प्रीमियम बेस पॉलिसी प्रीमियम का 30%, मूल पॉलिसी प्रीमियम, दैट इज बेस पॉलिसी प्रीमियम का 40%. डियर फ्रेंड्स, 30% अधिक नहीं होना चाहिए इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. नेक्स्ट, नंबर 36. बीमा ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार बीमाकर्ता और ब्रोकर के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा होता है? बीमा ब्रोकर ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है और बीमाकर्ता द्वारा ब्रोकर को श्रमिक प्रदान किया जाता है. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. ग्राहक ब्रोकर का प्रतिनिधित्व करता है, नो. बीमाकर्ता द्वारा ग्राहक का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है, नो. ब्रोकर केवल ग्राहक को सेवा प्रदान करता है, नो फ्रेंड्स. बीमा ब्रोकर ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है और बीमाकर्ता द्वारा ब्रोकर को पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37. सुरेश विवाहित है और उसकी बेटी स्नेहा 3 साल की है, उसे कौन सा प्लान लेना चाहिए?
Avadi Tata Child Plan, that is Term Tata Bal Bima Yojana. Yes friends, this is correct option friends. Varshiki Yojana, that is Annuity Plan. Jeevan Yojana, that is Whole Life Plan. Swastri Yojana, Health Plan. No friends, Avadi Tata Child Plan is correct option friends. That is option number 1 is correct option friends. Next, question number 38. Shuddh Jokim Ka Vargikaran Nimnalikhit Ke Tahat Kiya Jata Hai. What is the correct option? Arthik Jokim? No. Anumanit Jokim? Vitti Jokim? Bima Yogi Jokim? Dear friends, Bima Yogi Jokim, based on this, Shuddh Jokim Vargikaran Nimnalikhit Ke Tahat Kiya Jata Hai is Bima Yogi Jokim. So the option number 4 is correct option friends. Next, नंबर 39 यदि नियोक्ता का किसी कर्मचारी के जीवन के लिए बीमा करने में रुचि है तो यहां किस प्रकार की पॉलिसी होगी इच्छिता बीमा नो फ्रेंड्स मुख्य पुरुष बीमा दैट इज की मैन इंश्योरेंस डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स भागीदारी बीमा दैट इज पार्टनरशिप इंश्योरेंस नो ऋण बीमा दैट इज नंबर 40 किसी व्यक्ति के लिए बचत उत्पाद लेने हेतु निम्नलिखित में सबसे आसान विधि क्या है व्यक्तिगत एजेंट के जरिए इंटरनेट के जरिए इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स इंटरनेट के जरिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स कॉर्पोरेट एजेंट सभी केंद्र नो फ्रेंड्स इंटरनेट के जरिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 41 बीमा के शब्दों में जोखिम का एकत्रीकरण है व्हाट इज देयर और जीवन बीमा के दावे के भुगतान के लिए समान सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना नो जीवन बीमा के भुगतान के लिए विभिन्न सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना नो फ्रेंड्स जीवन तथा आवास बीमा के भुगतान के लिए समान सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना नो जीवन बीमा के भुगतान के लिए समान सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 42 अवधि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आपदा और जोखिम को सामान्य रूप से किस प्रकार विभेदित किया जाता है आपदा चिकित्सीय कारक के है जो मृत्यु के जोखिम को प्रेरित करता है तथा खतरा जीवन शैली की गतिविधि है जो मृत्यु के जोखिम को प्रेरित करता है नो फ्रेंड्स आपदा ऐसे जोखिम होते हैं कि पॉलिसी धारक की एक निश्चित तिथि से पहले मृत्यु हो जाएगी सो दिस इज आपदा और खतरा व्हाट इज खतरा खतरा इज ऐसे कारक होते हैं जो उन जोखिमों को प्रभावित करते हैं सो व्हाट इज आपदा एंड खतरा आपदा ऐसे जोखिम होते हैं कि पॉलिसी धारक की एक निश्चित तिथि से पहले मृत्यु हो जाएगी इज आपदा वेयर एज खतरा ऐसे कारक होते हैं जो उन जोखिमों को प्रभावित करता है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 43 निम्न में कौन सा जोखिम धारण करने में संभव होता है पॉलिसी में स्वामित्व धारण करना संभव नहीं क्योंकि जीवन में कई जोखिम होते हैं सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 44 अनुबंध बीमाकर्ता तथा प्रस्तावक के बीच तब संपन्न होता है जब बीमाकर्ता द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार्य किया जाता है दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स पॉलिसी दस्तावेज पर बीमाकर्ता द्वारा मुहर लगाई जाती है नो पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त किया जाता है नो बीमाकर्ता ने दूसरा प्रस्ताव दिया है नो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बीमाकर्ता द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार्य किया जाता है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 45 नैतिक खतरा का अर्थ होता है प्रस्तावक का उद्देश्य तथा धारण करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स प्रस्तावक की आदतें तथा शौक नो प्रस्तावक का पेशा तथा आवास नो प्रस्तावक की चिकित्सी तथा व्यक्तिगत इतिहास नो फ्रेंड्स प्रस्तावक का उद्देश्य तथा धारणा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 46 मृत्यु की परिकल्पना की स्थिति में अदालत के फैसले तक प्रीमियम का आवश्यकता नहीं होती है नो फ्रेंड्स ही हैज टू पे अदालत के फैसले होने तक प्रीमियम भुगतान आवश्यक है दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स दावा ग्राहक ही नहीं अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है नो फ्रेंड्स अदालत में फैसले होने तक प्रीमियम भुगतान आवश्यक है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 47 किसी व्यक्ति की आय की डैश की मदद से सुरक्षा की जा सकती है एक यूनिट लिंक्ड पॉलिसी एक मियादी जीवन पॉलिसी दैट इज टर्म लाइफ पॉलिसी बंदोबस्ती पॉलिसी दैट इज एंडोमेंट पॉलिसी
एक धन वापसी पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी डियर फ्रेंड्स एक मियादी जीवन पॉलिसी दैट इज टर्म लाइफ पॉलिसी इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 48 ऋण म्यूचुअल निधि में धन निवेश का उद्देश्य क्या होता है आसान पहुंच निश्चित आय कर में लाभ तरलता तरलता इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 49 बीमा लोकपाल की अवस्थिति के बारे में जानकारी पॉलिसी दस्तावेज के किस खंड में लिखी गई थी परिचालन योग्य उपलब्ध दैट इज ऑपरेटिव उपलब्ध सत्यापन नो फ्रेंड्स सूचना विवरण इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यस फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स अनुमोदित नो फ्रेंड्स सूचना विवरण दैट इज इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है डियर फ्रेंड्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज इंश्योरेंस कई लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना नो फ्रेंड्स कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना इज इंश्योरेंस है सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना नो अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी नो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल 50 क्वेश्चन आंसर्स बिफोर going to submit this question paper please go back and check all question answers whether you are done or not if not done please check one answer because this exam doesn't have any negative marking so please check one answer dear friends one more important point in writing this exam is don't use code while writing this exam because keyboard if you use the answers will move from one answer to another for example let us see I am using keyboard now So this is answer I am putting here I am using keyboard arrow it is moving up and down answers are moving so please don't use keyboard use only mouse so the answers will not shift once you feel all question answers are done then simply submit the paper I am submitting friends in your real exam also there is an option to know that whether you passed or not if you get more than 18 marks that means you are passed Let us see the score. Dear friends, congratulations. You got 50 out of 50. All question answers are correct. Dear friends, let us see the answers also. Here I have given option to check your answers also. Like this, you can check your answers whether you did correct or not. All question answers are correct, friends. Dear friends, please thank you, friends. Please subscribe my channel if you are not yet subscribed. And don't forget to click on like button and bell button. Bye, sayonara, all the best.